हाय फ्रेंड्स, डीटच डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं यूट्यूब कस्टम यूआरएल कैसे बनाएं, वो भी आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के अपने मोबाइल के ब्राउज़र से ही इस यूआरएल को बना सकते हैं। अभी देखो, मेरा कस्टम यूआरएल है जो ऊपर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, उस तरह का है। अभी मैं उसको चेंज करके मेरा जो चैनल का नाम है वो हिसाब से मैं उसका मेरे चैनल का यू आर एल बनाऊँगा। अगर आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल है और अगर आप लोग यूट्यूब में नए हो तो भी ये वीडियो देख के आप लोग खुद का एक कस्टम यू आर एल बना सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, आप इस वीडियो को देखते रहिए और आप लोग इस वीडियो में देखने के बाद आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो इधर अपलोड करते रहता हूँ। देखो, आप लोग अगर जब यूट्यूब के चैनल में आएंगे तो पहले आप लोगों को इंटरनेट ब्राउज़र से ओपन करना है। देखो, एक इंटरनेट ब्राउज़र है, इसमें लॉगिन करने के बाद आप लोग पहले यूट्यूब ओपन करने से पहले इसको इधर क्लिक करके देखो। अभी इधर मोबाइल वर्जन है, इधर एक एक बार डेस्कटॉप वर्जन रहता है, आप लोग उसको क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन में करो। अभी मैंने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में किया है। इस तरह ओपन करने के बाद देखो, आप लोग इधर एक आपका चैनल का लॉगिन किया हुआ आईडी आप लोगों को दिखाई देगा, जो आप लोगों का चैनल है उस तरह का एक लोगो इधर दिखाई देगा। आप लोग उधर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद देखो, आप लोगों को इधर एक सेटिंग का निशान है, क्रिएटर स्टूडियो के बाजू में सेटिंग का निशान है, उस सेटिंग के निशान को क्लिक करना है। जब आप लोग इस सेटिंग के निशान को क्लिक करेंगे तो आप लोग इधर आएंगे, बाद में एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद देखो, इस तरह आप लोगों का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग इधर देखो, यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यू आर एल क्लेम हर, इधर हर है ना, ये ची आर, इसको क्लिक करना है, वो ब्लू कलर में रहता है। मैं अभी एक दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जब खुद के चैनल में रहेंगे, जो लॉगिन करेंगे, तो वीडियो मैनेजर में जब आने के बाद आप लोग इस तरह आप लोग वीडियो मैनेजर में आएंगे तो देखो, इधर बहुत सारा सेटिंग आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोगों को इसमें चैनल को ओपन करना है। देखो, नीचे अभी एक चैनल दिखा रहा है, उस चैनल को ओपन करना है। चैनल को ओपन करते इस तरह ओपन हो जाएगा, जो आपका चैनल है वो सब इधर दिखाई देगा। बाद में देखो, इधर नीचे आना है, नीचे एक है देखो कस्टम यूआरएल, कस्टम यूआरएल के बाजू में एनेबल है, उस एनेबल को क्लिक करना है। अभी मैं पहले एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को दिखाया था, सेम इस तरह ही इधर भी ओपन हो जाएगा, सेम पेज ओपन हो जाएगा। जब आप लोग यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल उसको ओके करने के बाद, अभी आप लोगों को इस दो में कौन सा भी एक चॉइस करना है, तो मैं ऊपर वाला चॉइस करता हूँ। ऊपर वाला चॉइस करने के बाद देखो, इधर मैं राइट क्लिक करता हूँ जो बॉक्स के अंदर है, उसको क्लिक करने के बाद देखो, इधर चेंज यूआरएल है, उसको क्लिक करना है। जब मैं चेंज यूआरएल को क्लिक करूँगा तो मुझे फिर दोबारा पूछेगा, तुम्हारा यूट्यूब चैनल इस तरह आएगा, जो यूट्यूब डीटच डिजिटल ऐसा बोल के आप लोगों को दिखाई देगा, कंफर्म योर कस्टम यूआरएल। बाद में सिंपली जाके इधर कस्टम यूआरएल को क्लिक करना है। बाद में देखो, आप लोगों का यूआरएल है, अभी नया यूआरएल से काम करेगा, पुराना यूआरएल आपका कस्टम यूआरएल अभी काम नहीं करेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाद में फिर आप लोग चैनल के लोगो में जाओ, बाद में फिर सेटिंग में जाके आप लोग देख सकते हैं यूआरएल चेंज हुआ क्या नहीं हुआ बोल के। इसके लिए देखो, एडवांस सेटिंग में जाके जब आप लोग वो ओपन करेंगे तो आप लोगों को इधर दिखाई देगा योर कस्टम यूआरएल। देखो, आप लोग हम लोगों ने कौन सा रखा था वो यूआरएल इधर आप लोगों को दिखाई देगा। देखो, www.dtouchdigital। ऐसे आप लोग अपने कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं यूट्यूब में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, और भी हमारे वीडियोस है
आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो फोल्डर में जाके देख सकते हैं।